which is the best test to assess heart health? A stress test. स्ट्रेस टेस्ट मींस आप हार्ट को एक्सरसाइज के समय चेक कर रहे हैं कि उनकी एक्टिविटी, उसकी पंपिंग, उसकी अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई स्ट्रेसफुल स्ट्रेस में आने में अरिथमियाज, कोई अटैक वाले चेंजेस, कोई इस तरह के माइनर चेंजेस तो नहीं है. बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होगा, माइनर प्रॉब्लम भी होगा, तो माइनर प्रॉब्लम सिम्टम कब बनाएगा? जब हार्ट को ज्यादा काम करना है. कमजोर आदमी से ज्यादा काम कराओगे तो कमजोर आदमी थक ही जाएगा. वैसे ही अगर आपका हार्ट कमजोर है या कुछ नंबर ब्लॉकेज है, कुछ है, तो आपके केस में आपको स्ट्रेस टेस्ट करने पे उसमें चेंजेस आते हैं. द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक स्ट्रेस टेस्ट, जो सबसे छोटा स्ट्रेस टेस्ट है, वो है TMT, सबसे सस्ता और जी हाँ बिल्कुल काम का है, ट्रेडमिल टेस्ट. ट्रेडमिल पे आपको दौड़ाया जाता है, उसमें अगर हार्ट में ECG में चेंजेस आ गया दौड़ते हुए, दैट मींस आपके हार्ट में ब्लड सप्लाई या खून का सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई कम है. उसका कारण हार्ट की खून की नसों में ब्लॉकेज भी हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, राइट. और उसके बाद आता है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी. सेम चीज, स्ट्रेस करते हैं, दौड़ाया जाता है या दवा दे के धड़कन बढ़ाई जाती है, और उसके साथ हार्ट की सोनोग्राफी की जाती है. जो लोग का विंडो अच्छा नहीं होता, उनमें स्ट्रेस थैलियम की जरूरत पड़ती है. विंडो का मतलब जिसमें इकोकार्डियोग्राफी से बहुत अच्छे से हार्ट नहीं दिखता, तो फिर हम स्ट्रेस थैलियम करते हैं, जो 11-12-13-14-15 हज़ार का होता है स्ट्रेस थैलियम. स्ट्रेस थैलियम भी उतना ही महंगा है जितना कि करीब CT एनजीओ होता है. तो CT एनजीओ, स्ट्रेस थैलियम और कोरोनरी एनजियोग्राफी ऑलमोस्ट इक्वली हो, मान लीजिए. तो स्ट्रेस थैलियम एक अच्छा टेस्ट है, कोई नहीं, लेकिन नॉट द बेस्ट टेस्ट, नॉट द ओनली टेस्ट. So this is all about testing heart. Stress thallium is one of the tests to test the heart. आप इको भी, स्ट्रेस इको भी करा सकते हैं, आप TMT भी करा सकते हैं, आप CT एनजीओ भी करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस, आपके डॉक्टर की एडवाइस पर, राइट.